हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवेंद्र प्रताप सिंह, वेलकम टू माय चैनल लॉ ज्ञान। देखिए, आज आईपीसी का जो है वो लास्ट लेक्चर है। आज आईपीसी आपकी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, ठीक है। आज हम लोग इस लेक्चर में जो कवर सेक्शंस को कवर करेंगे वो 493 से 511 तक हम लोग कवर करेंगे। आज आखिरी लेक्चर, ठीक है, आईपीसी आज समाप्त आपकी। चलिए देखते हैं कौन कौन सा सेक्शन हम कवर करते हैं। देखिए, हम लोग द्विविवाह से शुरू करते हैं, ठीक है। जिस चैप्टर का नाम हमने लिखा है उस वो समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, वो पूछा जा सकता है, इसलिए हमने वहां पर नाम लिख दिया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। ये मिट किया थोड़ा। चलिए देखिए, चैप्टर का नाम क्या है, विवाह संबंधी अपराधों के विषय में, ठीक है। क्या नाम है? विवाह संबंधी अपराधों के विषय में कहा गया। किस चैप्टर में? चैप्टर 20 अध्याय 20 में कहा गया। कहां से कहां तक है, किस सेक्शन में? तो 493 से लेकर 498 तक इसका, इस चैप्टर का प्रावधान किया गया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है वो सेक्शन 494 है, द्विविवाह, ठीक है, द्विविवाह। द्विविवाह क्या है? द्विविवाह ऐसा विवाह होता है जिसमें एक पक्षकार जो होते हैं, पति और पत्नी पहले से विवाहित होते हैं, वो जो उनकी मैरिज लाइफ है वो वैध है, ठीक है, और वैध विवाह के होते हुए वो और दूसरा कोई अन्य विवाह कर लेते हैं, चाहे वो पति के द्वारा किया गया हो, चाहे वो पत्नी के द्वारा किसी अन्य पुरुष या किसी अन्य महिला के साथ विवाह कर लेते हैं। तो ऐसे विवाह को क्या कहा जाएगा? द्विविवाह। अर्थात एक विवाह के कायम रहते हुए दूसरा विवाह कर लेना क्या कहलाता है? द्विविवाह कहलाता है। और ऐसे विवाह को हमारे यहाँ हिंदू विधि में क्या है? शून्य घोषित किया गया है, वैध नहीं माना गया है, इसे दंडनीय बनाया गया है सेक्शन आपके 494 आईपीसी के तहत, ठीक है। देखिए, द्विविवाह में क्या है कि दुराशय की आवश्यकता नहीं है। आप ये प्ली नहीं दे सकते, अपने बचाव में नहीं कह सकते कि मेरा जो इंटेंशन था वो आपका सही था या इंटेंशन सही नहीं था, ऐसा कुछ आप नहीं कर सकते, ठीक है। मेंजरिया आप नहीं बताएंगे कि मेरा मेंजरिया नहीं था ऐसा द्विविवाह करने का, ये सब कुछ नहीं मायने रखता। क्यों? क्योंकि ये जो अपराध है ये कठोर दायित्व का अपराध है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुराशय की आवश्यकता किस अपराध में नहीं पड़ती है, इसके विषय में पहले भी मैंने बताया है आपको। तो द्विविवाह एक ऐसा अपराध है जिसमें आपके दुराशय की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कठोर दायित्व का अपराध कौन होता है, तो आप बताएंगे द्विविवाह है, ठीक है। सेक्शन आपको याद रहे कि किस सेक्शन में द्विविवाह का प्रावधान किया गया है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट बात यह है कि पति या पत्नी की सहमति कोई बचाव नहीं है। अर्थात ये कहने का मतलब है कि एक विवाह तो हुआ है, कायम है, अब दूसरा विवाह करना है तो पिछली जो पत्नी थी, पहली पत्नी, ऐसा नहीं है कि वो कंसेंट दे दे कि हाँ हाँ आप जाइए अब दूसरा विवाह कर लीजिए। तो वो कंसेंट दे भी दें तो उस कंसेंट का कोई मतलब नहीं है, चाहे पति द्वारा पत्नी को दे दिया जाए, पत्नी द्वारा पति को दे दिया जाए दूसरा विवाह करने के लिए, तो वो कंसेंट कंसेंट नहीं कहलाएगी, कोई मायने नहीं है, ठीक है। फिर भी आप द्विविवाह के लिए दंडित किए जाएंगे, ठीक। आपको याद होगा जब हमने दुष्प्रेरण पढ़ाया था आपको, तो उसमें मैंने कहा था कि जो पुरोहित होता है, जो विवाह को पूरा खत्म करवाता है, ठीक है, तो वो पुरोहित जो है द्विविवाह को जानते हुए अगर वो ये सब कार्यक्रम करवा रहा है तो उस पुरोहित को दंडित किया जाता है, ठीक है। ये बातें हमने दुष्प्रेरण में बताई हुई थी। और कौन सा केस था आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, ये किस केस में कहा गया, पुरोहित वाला मामला ये किस केस में है, ठीक है। उस केस का नाम आप हमें बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सा केस था। तो द्विविवाह, यदि कोई व्यक्ति ऐसा द्विविवाह का अपराध कारित करता है,
तो कितना दंड दिया जाएगा? ध्यान रहे, 7 वर्ष और जुर्माने का प्रावधान किया गया है द्विविवाह में। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको पढ़नी है, किस सेक्शन में बताया गया है, क्या दंड दिया जाएगा ये, और दुराशी की आवश्यकता इसमें नहीं है, कठोर दायित्व का अपराध है ये। ठीक है, और पति या पत्नी की कंसेंट भी मिल जाती है तो भी वह क्या होगा, अपराध के दायी माने जाएंगे। ठीक, इतनी चीजें आपको पढ़नी है द्विविवाह। नेक्स्ट आते हैं 497 में जार कम की बात की गई है, एडल्ट्री की बात की गई है। ठीक है, इसमें क्या है, पहले क्या इसमें होता क्या था, इसमें यह था कि कोई व्यक्ति विवाहित महिला से, ध्यान रहे विवाहित महिला से क्या करता था, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता था, उसकी कंसेंट के साथ करता था। ठीक है, इसके बारे में उसके पति को नहीं पता होता था। ठीक है, उस महिला के कंसेंट के साथ कोई व्यक्ति क्या करता था, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता था, तो ऐसे कार्य को क्या कहा जाता था कि वह व्यक्ति क्या कर रहा है, जारता कर रहा है, जारकर्म कर रहा है। ठीक है, जारकर्म कर रहा है, एडल्ट्री कर रहा है। ठीक है, मगर अब क्या हुआ कि अब जोसेफ साइन वर्सेस भारत संघ का मामला था जो 2018 में आया, तो अब इस सेक्शन को क्या कर दिया गया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रहे यहां क्या किया गया, असंवैधानिक। केस का नाम याद रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका केस लॉ है, जोसेफ साइन वर्सेस भारत संघ 2018 का मामला है। और जो ये जारकर्म है ये किसके विरुद्ध अपराध है, ये भी पूछा जाता है, तो ये केवल पति के विरुद्ध अपराध है, और दंडित किसे किया जाएगा, उस महिला को दंडित नहीं किया जाता है, जो व्यक्ति कर रहा है ऐसा कार्य उस व्यक्ति को दंडित किया जाता था। ठीक है, तो अब यह सेक्शन क्या कर दिया गया, असंवैधानिक घोषित कर दिया, जोसेफ साइन वर्सेस भारत संघ के मामले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 498। इसमें यह कहा गया विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसला कर क्या करना, 3 काम करना, ले जाना, आप ले जाइए, या ले आइए, ठीक, या निरुद्ध रखिए, कहीं आप बांध ओंध के रख दीजिए, कहीं स्थान पे आप कमरे में या कहीं भी बांध ओंध के रख दीजिए। ठीक है, निरुद्ध कर दीजिए उसे, तो ऐसा कार्य करते हैं तो 498 के अंतर्गत आपको दंडित किया जाएगा। ये कार्य कोई व्यक्ति क्यों करता है, किसी विवाहित स्त्री को फुसला कर ले जाता या ले आना है या निरुद्ध करना है, तो ऐसा व्यक्ति कार्य क्यों कर रहा है, उसके पीछे एक ही उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, ये इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य यह है कि स्त्री के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, इसलिए ऐसा काम किया जाता है। ठीक है, तो बस इतना पता रहे कि विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसला कर या बहला कर क्या करना, ले जाना, ले आना या निरुद्ध करना, किस सेक्शन में है, 498 में है। उद्देश्य क्या होता है ये हमने बता दिया। ठीक है, इतनी चीजें 498 में आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अगला चैप्टर। देखिए हमने अध्याय 20 पढ़ा। ठीक है, ये क्या था, विवाह संबंधी अपराधों के विषय में, जो सेक्शन 493 से 498 तक था। अगला चैप्टर जो है हमारा अध्याय 20A है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है चैप्टर है, जिसे 1983 में जोड़ा गया है, 1983 द्वारा इसको जोड़ा गया है। ध्यान रहे 498A इकलौता सेक्शन है इस अध्याय का। ठीक है, यह पूछा जाता है अधिकतर क्वेश्चन कि जो क्रुएल्टी है, क्रूरता है, वो किस अध्याय में है, तो वो आपको पता होने चाहिए। यहां ए लगा हुआ है, ठीक है, ये यहां ए लगा हुआ है और यहां भी ए लगा हुआ है, इससे आप पता कर लीजिएगा कि 498 ए है, तो कोई अध्याय ए ही होगा, बट ऑप्शन भी कभी कभी वो लोग भी चालाक होते हैं, आयोग भी चालाक होता है, तो वो भी ऑप्शन क्या है, ए ए वाला ही देता है, जैसे 18 ए, 19 ए, 21 ए, ऐसे करके देगा, तो 20 ए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो किस अध्याय में, 20 ए में है, क्या है, क्रूरता है, 498 ए में बताया गया, कब जोड़ा गया, 1983 में जोड़ा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। अब देखिए 498 क्रूरता, क्रुएल्टी की बात करती है, इसमें क्या कहा गया, इसमें यह कहा जा रहा है कि यदि किसी पति या पति के नातेदार द्वारा किसी महिला के साथ या किसी स्त्री के साथ क्या किया जाता है,
क्रूरता किया जाता है, किसी भी प्रकार का क्रूरता किया जाता है, तो उनको दंड का प्रावधान इस सेक्शन के अधीन दिया जाएगा, उनको दंडित किया जाएगा, सेक्शन 498 ए के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। कितना दंड मिलेगा, ध्यान रहे 3 वर्ष और जुर्माने से उनको दंडित किया जा सकता है, ठीक है, 3 वर्ष और जुर्माने से। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें कि क्रूरता जो है, क्रुएल्टी है, वो 2 प्रकार से की जा सकती है, या तो उस महिला की शारीरिक क्रूरता की जा सकती है या मानसिक क्रूरता की जा सकती है, ठीक है, ये 2 चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका, या शारीरिक क्रूरता हो सकती है या मानसिक क्रूरता हो सकती है। शारीरिक क्रूरता कैसे होगी, शारीरिक क्रूरता यह होगी कि उसको मार रहे हैं, लगातार रोज मारते हैं, ठीक है, खाना नहीं देते, तड़पाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो वो शारीरिक। मानसिक क्या होगी, मेंटल जो क्रूरता हो, क्रुएल्टी होगी, वो क्या होगी कि उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, ताना दिया जा रहा है, रोज ताना दिया जाता है, किसी भी कारण से, मान लीजिए उसके दहेज के लिए, उसके शादी के संबंध में, उसको रंग रूप को लेकर, या किसी भी माध्यम से उसको क्या किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वो क्या होगा, वो मेंटल क्रुएल्टी होगी। तो इस प्रकार क्रूरता में दोनों शामिल है, शारीरिक या मानसिक क्रूरता, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको सेक्शन 498A में पढ़नी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये रहा 20A, हमने 20 पढ़ा चैप्टर 20, फिर 20A पढ़ा, फिर अब चैप्टर 21 पढ़ना है। 21 में क्या है, मानहानि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका चैप्टर, डिफेमेशन, ठीक है, अधिकतर मेंस में भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है डिफेमेशन का, तो हम लोग जब मेंस के पढ़ेंगे तो इसको हम कायदे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही काफी बड़ा है आपका, थोड़ा सा लेंदी ही होता है, ठीक है, तो प्री के हिसाब से जितना इंपॉर्टेंट है मैं उतना इसमें आपको बता दे रहा हूं। डिफेमेशन मानहानि किस चैप्टर में है, सबसे पहले ये आप याद रखिए, पहला क्वेश्चन आपका यहीं से होता है, किस चैप्टर में, 21 में है। किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है प्रावधान किया गया, तो ये 499 से 502 तक प्रावधान किया गया है, ठीक है। दूसरी बात, मानहानि, मानहानि होती क्या है, देखिए मान में से हानि को कम कर देना ही क्या कहलाता है, मान हानि। हर आदमी का क्या होता है, मान होता है, सम्मान होता है, ठीक है, मान होता है ये। अब उस मान में से आप उसकी हानि निकाल देंगे, ठीक है, उस मान में से आप क्या कर रहे हैं, हानि निकाल दे रहे हैं, तो आपने क्या किया, मान हानि कर रहे हैं। ये कैसे किया जाएगा, 3 प्रकार से किया जा सकता है मानहानि, शब्दों द्वारा किया जा सकता है, संकेतों द्वारा किया जा सकता है, या दृश्य रूपण द्वारा किया जा सकता है। शब्दों द्वारा, या तो इसे लिखकर या बोलकर किया जा सकता है मानहानि, ठीक है। संकेतों द्वारा क्या है, संकेत चिन्ह के हिसाब से या संकेत के हिसाब से उसको प्रकाशित किया जा सकता है। दृश्य रूपण, किसी की वीडियो बना लिया गया, ठीक है, गलत तरीके से, तो उसको आपने प्रकाशित कर दिया, हर जगह फैला दिया, फेसबुक पर, इंस्टा पे, या ऐसे आपने अपलोड कर दिया, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, तो ये क्या हो गया, आपने मानहानि घटित किया, ठीक है। मानहानि में एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ कह रहा है, मानहानि कर रहा है, तो तीसरा पर्सन होना चाहिए, क्योंकि आपकी मानहानि तभी कम होगी जब कोई तीसरा पर्सन सुनता है। यदि एक कोई बंद कमरा है, बंद कमरे में यदि मैं आपकी मानहानि करता हूं, तो ये मानहानि नहीं होगी जो मैं बोलता हूं आपके संबंध में, ये मानहानि नहीं होगी, ठीक, क्यों, क्योंकि तीसरा कोई पर्सन आपका नहीं सुन रहा है, आपकी हानि ही नहीं हुई है, ठीक है, तो इसलिए ये मानहानि नहीं होगी। देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, मानहानि जो है ये मृत व्यक्ति, कंपनी और व्यक्तियों के समूह की भी की जा सकती है। मृत व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि एक मृत व्यक्ति है तो उसका भी मान सम्मान रहता है, ऐसा नहीं है कि मर गया तो उसका मान सम्मान खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर महात्मा गांधी जी हैं तो उनके संबंध में अपशब्द आप बोलते हैं, ठीक है, तो वो एक मानहानि हो जाएगी, ठीक है। तो जैसा कि आप अगर जिंदा रहते तब आप बोलते,
तब वो घटित हो जाता। तो याद रहे, मृत व्यक्ति है या कंपनी है या व्यक्तियों का समूह है, उसके संबंध में कुछ आप ऐसा कार्य कर रहे हैं या कह रहे हैं तो वो मानहानि के अंतर्गत माना जाएगा। ये ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट बात है कि मानहानि में चार स्पष्टीकरण हैं, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, चार स्पष्टीकरण हैं, 10 अपवाद हैं। पूछा जा सकता है कि कितने अपवाद हैं मानहानि में, तो 10 अपवाद हैं, ठीक है। 499 के अंतर्गत मानहानि कहाँ है, 499 में मानहानि का प्रावधान किया गया है, याद रहे, ठीक है। दूसरी चीज, मानहानि जो है सिविल एवं दांडिक क्रिमिनल दोनों हो सकती है, दोनों जगह आप बात कर सकते हैं मानहानि के संबंध में, ठीक है। यहां क्या करेंगे आप, कंपनसेशन लेने के लिए, या यहां क्या सजा दिलाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो सिविल एवं दांडिक दोनों में आप वाद दाखिल कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसे मानहानि करता है तो उसके ये दंड का प्रावधान कहां है, सेक्शन 500 में दंड का प्रावधान किया गया है। कितना दंड मिलेगा, तो 2 वर्ष या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है, ठीक है। 2 वर्ष या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो ये आपका पूरा मानहानि था। देखिए, प्री की जितनी डिमांड है आप उतना पढ़ ले जाइए, ठीक है। इसके बाद यदि आप पढ़ना चाहेंगे तो अपवाद 10 दिए गए हैं, उसको भी एक बार आप रीडिंग कर लीजिएगा, और जो दृष्टांत है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सेक्शन है आपका आपराधिक अभित्रास, सेक्शन 503। आपराधिक अभित्रास क्या है, तो मेन इसका जो उद्देश्य है क्या करना है, धमकी देना है। यहां क्या दी जाती है, धमकी दी जाती है, कैसी, दुराशय युक्त धमकी, गलत धारणा रहती है धमकी देने में, गलत कार्य कराने के लिए धमकी दी जाती है, ठीक है। देखते हैं, किसी व्यक्ति के, ध्यान रखिए, किसी व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को क्षतिकारित करने के लिए धमकी देना ही क्या कहलाता है, आपराधिक अभित्रास कहलाता है, ठीक है। किसी व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को क्षतिकारित करने के लिए धमकी दिया जा रहा है तो क्या आपने क्या किया, आपराधिक अभित्रास कर दिया है। जैसे किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए आप धमकी देते हैं कि आप ये काम नहीं करोगे तो आपको हम मार डालेंगे, ठीक है। जैसे कि कोई लड़का है, आप उससे कहते हो कि भाई आप ये काम करो, कॉलेज में जाओ, रात के टाइम में जाओ, जो पेपर होगा, जो पेपर बनाया गया होगा वो आप मुझे ला के दो, नहीं दोगे तो तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ देंगे। तो ये धमकी है किसके संबंध में, शरीर के संबंध में। फिर कहा गया कि यदि नहीं लाए तो हम तुम्हारे जो रेपुटेशन बनी हुई है कॉलेज में ना, वो हम ख़त्म कर देंगे, ऐसा वैसा कुछ लांछन तुम्हारे ऊपर लगा देंगे, ठीक है, ऐसा गलत धारणाएं फैला देंगे। तो ये क्या है, ये भी आप धमकी दे रहे हैं उसकी ख्याति से के संबंध में। नेक्स्ट संपत्ति, कहा गया कि यदि तुम पेपर नहीं लाए तो हम तुम्हारे जो बाइक से आते हो, नौटंकी करते हो ना, बाइक ले आके घूमते उमते हो इधर उधर, बाइक तुम्हारी तोड़ देंगे या जला देंगे, फूंक देंगे बाइक तुम्हारी, नहीं पेपर लाए वो। तो ये आपने क्या किया, धमकी दिया, और ये अपराध क्या किया आपने, आपने आपराधिक अभित्रास किया। अर्थात कि वह व्यक्ति जो कार्य करने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत नहीं है उसको आप ऐसा कार्य करने के लिए धमकी देते हैं, तो आप क्या करते हैं, आपराधिक अभित्रास करते हैं। बट वह कार्य करने के लिए प्राधिकृत है वैध रूप से, ठीक है, जैसे FIR लिखना पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है, लिखेंगे वो, वहाँ आप कहते हैं कि यदि आप FIR नहीं लिखे, धमकी वहाँ भी देते हैं, नहीं लिखे तो हम फला अधिकारी के पास आपकी कंप्लेन कर देंगे। आपने क्या किया, धमकी तो दिया बट वहाँ आपका दायित्व तो है उस कार्य को करने का, ठीक है, इसलिए ये धमकी जो होगी वो आपराधिक अभित्रास के अंतर्गत नहीं मानी जाएगी, ठीक है। किसी की प्रॉपर्टी है, किसी की जमीन है, उसमें आप कह, या किसी का बगीचा है, कह आप ये कहते हैं कि यदि कोई लड़का यदि इधर आया और मेरे बगीचे में किसी भी फल को तोड़ा तो उसका हाथ हम तोड़ देंगे,
आप क्या ने आपने क्या किया, धमकी दिया, बट सही तरीके, क्योंकि संपत्ति आपकी है इसलिए आप धमकी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये उसका क्या इंटेंशन होगा ये देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये इतनी चीजें हैं आपराधिक अभितराष में। और यदि कोई व्यक्ति ऐसी धमकी देता है, ठीक है, तो उसको कितना दंड मिलेगा, ये सेक्शन 506 बताता है। ध्यान रहे, 503 में आपराधिक अभितराष को बताया गया है और 506 में आपराधिक अभितराष के दंड को बताया गया है। कितना दंड मिलेगा, 2 वर्ष या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेक्शन 510, मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में उचार। कैसा व्यक्ति है, ड्रिंक किया हुआ है, कुछ होश हवास नहीं, ठीक है, वो कहां गया, उचार कर दिया, कहां, सार्वजनिक स्थान पे कहीं चला गया, लोक स्थान मतलब सार्वजनिक स्थान पे चला गया। तो यदि उस व्यक्ति के द्वारा, मत व्यक्ति के द्वारा ऐसा कार्य किया जा रहा है, ऐसा उचार किया जा रहा है, तो कितना दंड मिलेगा, दंड ध्यान रहे आपको कि 24 घंटे का कारावास, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 24 घंटे का कारावास या कितना, 10 रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। एक चीज और आपको पता रहे कि पूरे आईपीसी में सबसे छोटा यदि आपको दंड पूछा जाए तो आप बताएंगे सेक्शन 510 है, या सबसे छोटा जुर्माना पूछा जाए तो आप बताएंगे ये सेक्शन 510 है, ठीक है, 10 रुपए जुर्माना है, और कितने घंटे का है कारावास, 24 घंटे का कारावास, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन 510 हुआ। चलिए लास्ट चैप्टर आपका, अध्याय 23, चैप्टर 23, ठीक है, इसमें क्या है, आपराधिक प्रयत्न की बात की गई है, आपराधिक प्रयत्न, सेक्शन 511, एक सेक्शन, ठीक है, 511 आपराधिक प्रयत्न। प्रयत्न क्या है, कि प्रयत्न हम उसे कहेंगे, इसके विषय में पहले भी मैंने आपको बताया है, ठीक है, पहले भी बताया है कि किसी अपराध के कितने चरण, 4 चरण होते हैं, आशय होना चाहिए, तैयारी होना चाहिए, ठीक है, आपका फिर प्रयत्न होना चाहिए, फिर अपराध का पूर्ण हो जाना या क्षति किसी को कारित हो, ठीक है, ये 4 चरण होते हैं। अब जो प्रयत्न होता है वो 3रा चरण होता है किसी अपराध का। प्रयत्न हम कब कहेंगे, कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करने गया, कोई अपराध करने जा रहा है, और यदि उसे न रोका गया होता तो वह कार्य वह पूर्ण कर चुका होता, और उसे बीच में रोक देना यह कहा जाएगा कि वह उसने प्रयत्न किया हुआ, या उसने कार्य तो पूरा किया बट वो अपने कार्य में क्या हुआ, असफल हो गया, तो भी वहां क्या है, प्रयत्न होगा। जैसे बंदूक निकाला, मारने ही वाला था तभी उसका हाथ रोक दिया गया, ये क्या हुआ, अभी पूरे नहीं, पूरा नहीं हुआ था, पूरा होने से पहले ही उसके कार्य को रोक दिया गया, तो ये भी प्रयत्न है। और मारा, कार्य पूरा किया, गोली चलाया, बट उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को टारगेट करके उसने गोली चलाया था, उसको ना लग के बल्कि कहीं और गोली चली गई, पेड़ में लग गई या किसी अन्य व्यक्ति को लग गई, तो क्या हुआ, ये भी प्रयत्न होगा, किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि पेड़ में लग गई, आप ये समझिए, ठीक है, तो क्या होगा, प्रयत्न माना जाएगा। तो ये इसी को कहते हैं आपराधिक प्रयत्न। आपराधिक प्रयत्न क्या है, आपराधिक प्रयत्न में ये सेक्शन 511 में कोई व्यक्ति कब आएगा, कब दंडित किया जाएगा, तब दंडित किया जाएगा जब प्रयत्न के लिए आईपीसी में कोई दंड का प्रावधान नहीं किया गया है, तब वो सेक्शन 511 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, ठीक है। जैसे हत्या का प्रयत्न अपने आप में है, सेक्शन 307 में, ठीक है, वहां बताया गया है,
प्रयत्न अपने आप में दंडित करने का बताया गया है। तो जहाँ जहाँ प्रयत्न को दंड का प्रावधान किया गया है तो वो सेक्शन वहाँ पे उसको दंडित किया जाएगा, बट जहाँ उसके प्रयत्न को दंड का प्रावधान नहीं बताया गया है तो वहाँ सेक्शन 511 में के अंतर्गत उसे दंडित किया जाएगा। ठीक है, अब सेक्शन 511 में यह है कि इसमें यह कहा गया है कि 511 के अंतर्गत यदि, जैसे आप ये समझ लीजिए कि किसी ने चोरी किया, ठीक है, अब चोरी अभी पूरी नहीं हो पाई उसकी, ठीक है, चोरी पूरी नहीं हो पाई, जैसे एक जगह गया, घर में घुसा चोरी करने के लिए, संदूक निकाला और संदूक में कुछ नहीं था, तो ये क्या होगा, या किसी के जेब में हाथ डाला और जेब खाली थी, कुछ नहीं पाया, तो क्या हुआ, ये चोरी का प्रयत्न हुआ। क्या चोरी का प्रयत्न कहीं दंडित है, कहीं दंड किसी सेक्शन में बताया गया है, नहीं, तो उसे कहां दंडित मिलेगा, सेक्शन 511 के अधीन उसे दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सेक्शन 511 बात करता है। अभी जो मैंने संदूक की बात की है वह आर वर्सेस रिंग पर आधारित है और पहला आपका दृष्टांत भी इसी केस लॉ पे ही आधारित है। ठीक है, ये याद रखिएगा, केस लॉ जो हमने लिखा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि ये केस लॉ किस सेक्शन से संबंधित है या किस सेक्शन से संबंधित नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आर वर्सेस रिंग का मामला जो है ये खाली संदूक से संबंधित है, ये दृष्टांत जो है पहला उससे संबंधित है। ठीक है, दो दृष्टांत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट, रेग वर्सेस चीजमैन, इस केस में तैयारी तथा प्रयत्न में अंतर बताया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि तैयारी और प्रयत्न में अंतर आपसे पूछा जाए कि किस केस में बताया गया था, तो आप बताएंगे रेग वर्सेस चीजमैन में। उस समय न्यायाधीश कौन थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड ब्लैकबर्न उस समय न्यायाधीश थे इस केस में, रेग वर्सेस चीजमैन में। नेक्स्ट केस आती है महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब, इसमें क्या है, सामीप्यता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब। नेक्स्ट आपका केस है अभयानंद मिश्र का मामला है, इसके विषय में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अभयानंद मिश्र का मामला भी सेक्शन 511 से संबंधित है। और लास्ट आपका केस लॉ है आर वर्सेस ऑसबॉर्न, ये भी सेक्शन 511 से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 511 था, हमने आज पूरा आपका आईपीसी कवर कर दिया है, आईपीसी आज पूरी आपकी समाप्त हो गई। ठीक है, तो हमने आज जो लेक्चर था हमारा वो हमने सेक्शन 499 से 502 तक कवर किया। इसमें क्या क्या कवर किया हमने, द्विविवाह लिया हमने कवर किया, जार कर्म कवर किया है, फिर हमने क्या किया, विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसला ले जाना, फिर हमने क्रूरता क्रुएल्टी को कवर किया, फिर मानहानि हमने पढ़ा, आपराधिक अभित्रास हमने पढ़ा, फिर क्या, मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार, ये हमने पढ़ा, आपराधिक प्रयत्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपराधिक प्रयत्न ये पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया और आज आईपीसी हम लोगों ने खत्म कर दिया। तो यहाँ तक यदि वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बस अब अगले आपके देखते हैं वीडियो में, मिलते हैं हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।